गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जिनमें नेताओं ने महामारी का मजाक बनाकर रख दिया है। गुजरात में कोरोना के 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहाँ बीजेपी का एक विधायक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। सवाल है क्यों? जिस कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट 10 के पार चली गई हो, वहाँ कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना को लेकर उसके नेताओं की सोच पर ही सवाल खड़े करती है। जिस बिहार में कोरोना से मुख्यमंत्री तक न बच पाए हो, वहाँ विरोध के नाम पर सरेआम नियमों का उल्लंघन करने क्यों दिया जाता है? कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन लगा तो हम सब ने जनता को इस तरह से पुलिस के हाथों मार खाते हुए देखा। जनता की इस पिटाई की वजह नियमों को तोड़ना बताया गया। जब दूसरी लहर आई तब कोरोना का नियम तोड़ने वाली जनता से फाइन के रूप में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में भरा गया। लेकिन जिस भारत में कोरोना रोकने के नाम पर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और कहीं कहीं तो सरकारें लॉकडाउन ही लगा दे रही हैं, उसी भारत में जनता के लिए नियम बनाने वाले नेता खुलेआम नियमों का मजाक बना रहे हैं। मानो जनता से कह रहे हो कि लोकतंत्र में भले ही वो मालिक कहलाए, लेकिन असली शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास ही है।